हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो अब उसी पे हम एमसीक्यू करते हैं। अगर आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन से पूरा लिंक लेकर पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया, पहली बार किसने निकालने की कोशिश की? ही वॉज ग्रेगरी किंग। सो आंसर इज डी, ग्रेगरी किंग। द वर्ड नेशनल इन नेशनल इनकम मीन्स, नेशनल इनकम बोलते हैं उसमें नेशनल की मीनिंग क्या होती है? गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, बोथ ए एंड सी। तो देखिए, यहाँ पर ए और सी में गुड्स और सर्विसेज दोनों आ रहा है, इस तरह भी आप अंदाज़ा लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर डी होगा। लेकिन बी क्यों नहीं होगा उसका रीज़न बता दें। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी टेरिटरी के डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी ऐसी जगह हैं जो फॉरेन की हैं, जैसे एम्बेसीज़ वाला पार्ट जो होता है फॉरेन का होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए बी को नहीं लिया गया, डोमेस्टिक टेरिटरी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ वन इन विच द फॉलोइंग मूव फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होगी, जहाँ पर सारी चीज़ें फ्रीली मूव कर रही हैं, जैसे पीपल, गुड्स, कैपिटल। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, इकोनॉमिक टेरिटरी का अदर नेम यहाँ पे है सी, डोमेस्टिक टेरिटरी। चाइनीज़ एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। अच्छा, ये आंसर देने के लिए आपको इकोनॉमिक टेरिटरी की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन से पूरा लिंक आप पढ़ सकते हैं। तो चाइनीज़ एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा, वो चाइना का होगा। इसी तरह हमारी एम्बेसी अगर चाइना में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी, सॉरी। सो आंसर इज़ ए, चाइना। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं इसमें कौन कौन से हैं? एन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, हाँ वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, जापान टूरिस्ट की तरह जा रहा है। एक इंडियन, ये भी हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडियन वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर। इज़ इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू US इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट? इंडिया से एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है US, वापस आ जाएगा, वहाँ पे अर्निंग और अपना ड्वेलिंग सारा वर्क तो वहाँ नहीं करेगा, सेविंग्स सब कुछ वहाँ नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इज स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़ इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट? इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन, देखिए गुड्स का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किया जाता है, कैपिटल, इंटरमीडिएट, फाइनल एंड कंजम्पशन गुड्स। तो वो किस पे डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन करने के लिए उसका एंड यूज़ देखना पड़ता है हमें। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, कंजम्पशन गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फर्स्ट यूज़ ऑफ द गुड्स, एंड यूज़ ऑफ द गुड्स। सो आंसर इज डी, एंड यूज़ ऑफ द गुड्स। दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं उनको, उसका डिफरेंट नेम होता है कंज्यूमर गुड्स। तो आंसर इज बी, कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स आर यूज बाय द, फाइनल गुड्स कौन यूज़ करता है? कोई भी यूज़ कर सकता है ना फाइनल गुड्स, हाउस होल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फर्म भी यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, कंज्यूमर्स को हाउस होल्ड्स भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स में 4 कैटेगरीज थी जिसमें ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, 4 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे 3 नेम दिए हुए हैं, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। सर्विसेज ऑफ अ टीचर, टीचर की सर्विस 2 तरीके से यूज़ की जा सकती है, कंजम्पशन की तरह भी और इंटरमीडिएट की तरह भी। अगर कोचिंग में किसी के जाके पढ़ा रहा है तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा, अगर खुद पर्सनली अपने घर में किसी को पढ़ा रहा है तो वो कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करने में? तो आंसर देख लेते क्या है, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स। हाँ, जैसे एग्जांपल है मशीनरी, मशीनरी सेवरल ईयर्स तक यूज़ होती है एक फॉर्म में। विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू लिख दिया, गलत है, आंसर बी नहीं होना है। डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ सी सही है, तो आंसर है ए एंड सी। फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए किचन में यूज़ हो रहा है, हाउसहोल्ड यूज़ कर रहे हैं वो भी, कंजम्पशन गुड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इज, शुगर केन क्या है, वो प्रोडक्शन इंटरमीडिएट है क्योंकि वो उसका फर्दर प्रोडक्शन होगा शुगर केन का, शुगर बनाने के लिए। सो आंसर इज सी, एन इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, जब फाइनल गुड्स बन के रेडी होते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट की वैल्यू जुड़ी हुई होती है ना, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी, जैसे रॉ मटेरियल, और अच्छा एग्जांपल से बताते हैं, एक शुगर केन, शुगर बनानी है हमें, तो शुगर केन की वैल्यू और शुगर जो बन कर आई उसकी वैल्यू, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम
इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। तो आंसर है ए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल काउंटिंग। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स रिफर टू पेमेंट विच आर मेड। ट्रांसफ़र पेमेंट जिसमें हम एक्सचेंज में कुछ नहीं लेते हैं, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब नहीं, एंड एज कंपनसेशन नो। सो आंसर इज ए, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे पेंशन देना, स्कॉलरशिप। नेक्स्ट, चलिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट हम छोटा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती हैं? कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अच्छा, यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमने ना जॉब किया लेकिन तब भी मुझे पैसा मिल गया, एक तरह से फ्री में पैसा मिल गया, तो ट्रांसफ़र इनकम की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न में नहीं दिया तो ट्रांसफ़र इनकम हो जाता है। सैलरी रिसीव्ड बाय पंकज फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी में वो वर्क कर रहा है तो फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, फैक्टर इनकम में ये सब आता है, सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सैलरी आता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, यहाँ पे कोई उनसे वर्क नहीं लिया जाएगा वापस, पैसा हेल्प कर रहे हैं तो वापस वर्क थोड़ी ना करवाया जाएगा उनसे कि आपकी हेल्प की है अर्थक्वेक के टाइम पर तो आप यहाँ पे आके काम करी, तो ये ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फैक्टर इनकम, क्योंकि वो वर्क कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट, द वर्ड ग्रॉस मीन्स, ग्रॉस का क्या मतलब है यहाँ पर? इंक्लूसिव ऑफ NFI, इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। तो देखिए ग्रॉस और नेट, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे आना है तो डिप्रिसिएशन माइनस होता है, अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो डिप्रिसिएशन प्लस होता है, मतलब इसमें डिप्रिसिएशन ऐड है ग्रॉस में। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को हमने यहाँ रिवाइज करवाया अभी। नेट, अच्छा एक बार और बता दे रहे हैं, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन जुड़ा होता है, हमें नेट की तरफ अगर जाना है ग्रॉस से तो डिप्रिसिएशन माइनस करना है, तो अगर यहाँ सिर्फ ग्रॉस लिखा है तो इसका मतलब है डिप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, डी, इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अच्छा नेट देखिए आ गया ना यहाँ पर, नेट में डिप्रिसिएशन माइनस करना होता है, आंसर इज बी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन होगा ऑब्वियस है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, लास्ट दो क्वेश्चन पे ये डिपेंड है ये क्वेश्चन। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ एसेट्स रिफर्स टू, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल पे अगर हम डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? नॉर्मल वियर एंड टियर, फोरसीन ऑब्सोलेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोरसीन ऑब्सोलेंस, अनफोर्सीन ऑप्शन, अनफोर्सीन तो नहीं होने वाला, नॉर्मल और फोर्सीन होना है, आंसर इज सी, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सीन ऑप्शन। डिप्रिसिएशन आपको पता होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, जो कंटिन्यूसली अगर हम वर्क करते हैं किसी मशीन पे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। फैक्टर कॉस्ट इज द, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, मनी वैल्यू उसको कहते हैं, सो आंसर इज बी। मार्केट प्राइस, मार्केट में अगर हम जाएंगे तो टैक्स जुड़ जाएगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगी, सो आंसर इज सी, नेट एंड डायरेक्ट टैक्स। ये जो हमने सब्सिडी और टैक्स बोला ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का पार्ट होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो आंसर इज डी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको NIT आना चाहिए। NFIA, अगर NFIA जीरो है तो इसका क्या मतलब है? देखिए NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इंडिया के अंदर जो कमाई गई इनकम प्लस बाहर से जो आई, तो बाहर से जो इनकम आती है वो NFIA का पार्ट होती है। अगर NFIA जीरो हुआ तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों बराबर हो जाएंगी अपने आप, सो आंसर इज बी, डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम। NFIA इज पॉजिटिव, NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इज लेस देन NNPFC। ये कॉन्सेप्ट है, आंसर सी रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यहाँ अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए NFIA पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन दे दें। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो पैसा आ रहा है, अच्छा यहाँ से जा भी तो रहा है पैसा, दोनों का यहाँ वहाँ से जो आया इंडिया में पैसा और यहाँ से जो गया, दोनों को माइनस कर दीजिए, वो NFIA होता है। तो FIFA है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FITA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा ऊपर? NFIA, ये आपको पता होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इज NFIA। अभी हमने बताया डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है? NFIA होता है, दोनों इक्वल हैं तो NFIA जीरो। अच्छा नेशनल इनकम के एग्रीगेट जो हैं वहाँ देख, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए डोमेस्टिक वाले नेचर के होते हैं, कुछ नेशनल नेचर के होते हैं, ओवरऑल 8 होते हैं। तो देखिए यहाँ 1, 2, 2, 3 लिख दिया गया है नीचे, वो गलत हो गया, 4, 4 हुए हैं टोटल। तो ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए नीचे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ये कॉन्सेप्ट है, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, हमने एक रिविजन के लिए यहाँ स्लाइड लगा रखी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्रीगेट्स, तो यहाँ पे कितने एग्रीगेट्स हैं, फोर इधर हैं, फोर उधर हैं, एट, आंसर इज एट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, नेशनल प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आ रहा तो नहीं होने वाला वो डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल जो इंडिया में प्रोड्यूस है प्लस बाहर से जो है उसमें बाहर वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड, देखिए मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम के अंदर आते हैं, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड किया है और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वो जीडीपी एमपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी इंडिया की जीडीपी। नेक्स्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड, देखिए जीएनपी और एमपी दो चीज़ दी हुई है, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है, जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए, क्यों, जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेशनल, नेशनल आपको निकालना है तो एनएफआईए को लाना पड़ेगा, तो बी में देखिए एनएफआईए जोड़ा गया है, और नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक से जाना है ना, मार्केट प्राइस देखिए मार्केट प्राइस निकालना है तो आपने जीडीपी वाला भी एमपी मार्केट प्राइस वाला लिया है, बस डिफरेंस क्या है, जी जी सेम है, एन और डी में डिफरेंस है, और पीपी सेम है, और एमपी एमपी मार्केट प्राइस सेम है, तो सिर्फ एनएफआईए जोड़ दीजिए क्योंकि नेशनल वाला पार्ट निकालना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करते हैं तो नेशनल आ जाता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस तरह एक्सप्लेनेशन किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, नेशनल इनकम का क्या मतलब है, एनएनपी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है, मतलब एन और जी में डिफरेंस है, ऊपर वाले में एन है देखिए जो नेशनल इनकम है उसमें एनएनपी है और फर्स्ट ए वाले में है जीएनपी है, तो एन और जी में डिफरेंस निकालना है और बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, तो ग्रॉस अगर नेट निकालना है और ग्रॉस दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले में तो डेप्रिसिएशन प्लस है तो आंसर नहीं होने वाला, तो बी आंसर तो होगा ही। सी वाला भी देख लेते हैं, एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट का जो टैक्स है वो माइनस कर दीजिए, एनएनपी देखिए एनएनपी सेम है सी और जो क्वेश्चन दिया उसमें, और एमपी और एफसी है बस, तो कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट में क्या माइनस कर दे, टैक्स की चीज़ें, तो कॉस्ट पे आ जाएंगे, सो आंसर इज डी बोथ ए बी एंड सी। यहाँ पे हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है जल्दी से, अगर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ही पढ़ सकते हैं वहाँ लिंक के थ्रू। एनडीपीएफसी निकालना है तो जीएनपी एमपी में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, सब्सिडी ऐड करना है, इसी तरह आप करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होता है एनआईटी, और एनडीपी जीएनपी नेट और ग्रॉस, ग्रॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है, डेप्रिसिएशन यहाँ दिया नहीं है, सब्सिडी दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ एनआईटी का पार्ट यूज़ होगा, सो आंसर इज बी जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ध्यान रखिएगा एनएनपीएफसी को भी हम नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होगा, जीएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ क्योंकि ग्रॉस और नेट है पहले वाले में, सेकंड में सब्सिडी एनआईटी का पार्ट है, ये सारे आंसर सही हैं, सारे आंसर सही हैं, आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। ये कैसे सही है, इसको कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तभी आप यहाँ बता पाएंगे, लेकिन हमने बस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दिया ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड की जाएंगी, ए बी सी तीनों आंसर है तो देखते हैं क्या है, सी ए एंड बी बोथ है, सॉरी मतलब सी आंसर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड, तो परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज नहीं आती क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग हो जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट तो बन ही चुका है, इंटरमीडिएट भी नहीं आता है, अभी हमने शुगर केन का एग्जाम्पल लिया था, सो आंसर इज ए एंड बी बोथ सी आंसर है। सो नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू करेंगे वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे करेंगे, जैसे आपके हो गए प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, आपके हो गए डिस्पोजेबल इनकम, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम जिसमें आता है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, तो इसको हम करेंगे, आप ज़रूर से